welcome to Tonight with Faria. It's a saap ka mamla phool pakadta ja raha hai. Let's take a look at the headlines tonight. एहतसाब को इंतकाम कहकर मतनाजा बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है। मैं आपने डॉक्टर आसिम के खिलाफ 450 अरब की करप्शन का रेफरेंस पेश कर दिया। राणा मशहरुद्दीन नैब के खिलाफ बोल पड़े। शिक्षित मुहिम के अलमबरदार आलमगीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में फैले कचरे और मुल्क में फैली करप्शन की गंध को साफ करने की कोशिशों में रुकावटें नजर आ रही हैं। पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा इजाज चौधरी से, वजीर आला सिंध के मुशीर कयूम सोमरू और एमक्यूएम के रुकन असेंबली आसिफ हुसैन से। वेलकम टू द शो। पाकिस्तान बनने के कुछ ऐसे बाद ही मुल्क में करप्शन की दास्तानें उभरना शुरू हो गई थी। 1949 में करप्शन के खात्मे के लिए एक खास एक्ट आया, यानी पब्लिक एंड प्रोसिक्यूशन ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट नाफिज करना पड़ा, मगर करप्शन नहीं रुक सकी। 10 साल बाद 1968 में सदर जनरल अयूब खान ने मुल्क में एक और एक्ट नाफिज कराया जो एप्टो के नाम से मशहूर हुआ, मगर इसका मकसद बज़ाहिर ही नजर आता था कि बदअमान सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मगर जो ये नेक मकसद था वो अपने नेक मकसद में कामयाब नहीं हो सका। अमली तौर पे ये होने लगा कि अपने अपने मुखालिफीन को मैदान से बाहर करने के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल किया गया, इसलिए ये लफ्ज ही बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल बन गया। मगर करप्शन वहां तक पहुंच गई जहां से उसका शायद वापस आना बड़ा मुश्किल हो गया। जब भी एहतसाब की बात की गई तो सियासी इंतकाम के इल्जाम लगाए गए, सियासी इंतकाम का शोर भी मचाया गया। आज भी सारा बुलंद हुआ है तो हर जानब से सियासी इंतकाम की आवाजें बुलंद हो रही हैं। एहतसाब के अमल को मुतनाजा बनाने की कोशिशें भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं, कोई खास डायरेक्शन नजर नहीं आ रही। इस वक्त एक इंतहाई कंफ्यूजन है जहां पर यह कहा जा रहा है कि ये एहतसाब सही नहीं हो रहा, मगर कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसको ठीक कैसे करना है, इस पर कोई अहम बात नहीं हो रही। और ये बड़ा उस वक्त परेशान कुन हो जाता है जब खुद हुकूमती अहलकारान भी खुलकर ये बात कहते हैं कि वो नैब के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। पंजाब की वजीर तालीम राणा मशहरुद्दीन भी नैब के खिलाफ बोल पड़े। लेट्स लिसन टू हिम। लिए अगर आप लोगों के नाम डालना शुरू कर देंगे तो ये कोई रंजीत सिंह का दौर नहीं है कि जिसकी गर्दन में फंदा फिट आ गया उसके अंदर फंदा डाल दें। एहतसाब होना चाहिए, लेकिन इस तरह पगड़ियां नहीं उछाली जानी चाहिए। और अगर ये इस तरह करेंगे तो ये लोग खुद कानून के दायरा कार में रहते हुए अगर गैर कानूनी काम करेंगे तो हम अदालतों का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर हो जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एहतसाब के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन हमें बिल्कुल एक पेज पर नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी भी डॉक्टर आसिम को मजबूर करार दे रही है, मगर आज के खिलाफ अभी हमने देखा कि वजीर तालीम पंजाब के बोल रहे थे, उन्होंने 450 अरब रुपए से जायद की करप्शन का रेफरेंस दायर कर दिया है। एहतसाब अदालत में ये जमा करा दिया गया है। कहता है ये रेफरेंस उसकी चीजा पॉइंट है। डॉक्टर आसिम पर 5 इल्जाम बाजार लगाए गए हैं। पहला इल्जाम गैस के कारखानों को कम गैस फराहम करना है, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली हुआ ये कि खाद की पैदावार कम हुई और हुकूमत को खाद दरामद करना पड़ी, जिसकी वजह से 450 अरब की सब्सिडी देना पड़ी। दूसरा इल्जाम सरकारी ठेकों में कमीशन लेना। तीसरा इल्जाम मनी लॉन्ड्रिंग करना। चौथा इल्जाम ट्रस्ट की जमीन गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करना। पांचवा इल्जाम सरकारी जमीनों पर कब्जा करना है। डॉक्टर आसिम के खिलाफ नैब ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है तो दूसरी जानब सिंध हुकूमत ने कराची में फिक्सित मुहिम के अलमबरदार आलमगीर खान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज है। सिलेक्शन देखिए किससे आगाज किया गया है। आलमगीर खान ने आज वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाजन कचरा फेंकने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बड़ी हमें चौबंद नजर आई, बड़ी एक्टिव नजर आई पुलिस, जिससे बड़े शिकवे भी करते रहे हैं लोग, मगर इस मामले में ना सिर्फ उन्होंने सफाई पे तवज्जो दिलाने के जुर्म में उनको पकड़ लिया बल्कि हथकड़ियां भी लगाई। कराची में फैले कचरे और मुल्क में फैली करप्शन की गंध को साफ करना कैसे है? वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक। कीप वॉचिंग।
एंड वेलकम बैक मियां साहब। अब ये क्या पीएमएलएन का ऑफिशियल मौकफ है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, देन लॉ मिनिस्टर, नाउ एजुकेशन मिनिस्टर, स्पीकर साहब भी नाराज नजर आए, क्या नया मतनाजा है पीएमएलएन के लिए? प्रिया, बात यह है कि जो आपने खुद बात की इत्तेफाक के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर कोटे को खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से, पंजाब से मुख्तलिफ जगहों से शिकायत थी अदारों के मतलब। अगर आप बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव के उसको एड्रेस करते हैं तो इससे कन्फ्यूजन उनकी स्टेटमेंट से आई, जिसमें आज बात की जा रही है और कई प्रोग्राम हुए उस पर कुछ हवाला दिया आपने पिछले एतवार में कि इस तरह उस वक्त नैब का कानून बना एहतसाब के लिए, मगर कहा गया कि ये खास लोगों के लिए बनाया गया है। एक दो हवाले मैं भी अर्ज करना चाहता हूँ कि 1997 में मुस्लिम लीग नून ने जब इलेक्शन लड़ा तो इसी स्लोगन पे लड़ा कि हम एहतसाब करेंगे, और एहतसाब कमीशन बना जिसको कहा गया, उस पर इतराजात थे कि ये एक तरफा है, खास एक जमात के लिए, ये मेरी अर्ज सुना ना, मुझे बात कहने दें कि ये बनाया गया और कहा गया कि ये जमात के लिए बनाया गया है, हालांकि अगर आईनी मुद्दत पूरी करने दी जाती तो शायद एहतसाब भी काफी होता, नजर भी आता और बाहर से आज जो पैसा है लोगों का शायद काफी हद तक वापस भी आ चुका होता। उसके बाद एक एहतसाब और शक्ल इख्तियार कर गया, नैब बना, और ये जब परवेज मुशर्रफ आए तो उन्होंने साद नुकाती अपना एजेंडा दिया, उसमें उन्होंने सरे फहरिस्त रखा कि मैं कड़ा एहतसाब करूंगा। अब जब नैब जो बना उसमें मुझे ये बताएं कि परवेज मुशर्रफ के अम्ब्रेला तले जो अदारा वो बना, उसने पेट्रियाट बनाया पीपल्स पार्टी से, उसने मुस्लिम लीग नून से किंग पार्टी तो बना दी, मगर कोई ये बताएं कि कोई ऐसा कोई केस बता दें कि जिसमें अरबों रुपया करप्शन हुई हो। तो बात यही तो है कि ये बात कोई नई नहीं है, 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, कह रहे हैं हम कोशिश करते रहे, आपने उनकी मदद नहीं की। मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ, 3 साल मैं इकरार-ए- हकीकत करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2006 में जब मिसाक जमहूरियत साइन हुआ तो उस वक्त ये तय किया गया कि जो इत्तेहाद के लिए इस्लाहात लाई जाएंगी और कड़ा एहतसाब किया जाएगा, मगर किसी मखसूस जमात या मखसूस शख्सियत के लिए नहीं किया जाएगा। किसी को नहीं हुआ, दबाव नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये बात दुरुस्त है। मगर एक बात मैं जरूर ये अर्ज करूंगा कि बार बार ये बात की जाती है कि शरीफ बरादरान के शरीफ फैमिली के केसेज हैं, भाई बात ये है कि 14 माह परवेज मुशर्रफ के दौर में जेरे हिरासत रहे और उसमें कड़ा एहतसाब भी हुआ, कुछ चीज सामने आई, अदालतों ने बरी भी किया, उसके बाद भी आप यही करें कि इन्हीं का नाम है, ये नाइंसाफी है। ये मेरा सवाल ये सब नो का से जवाब है कि ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल इदारा है नया अदालत। अब आपकी नजर में ये बात नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो अगर खबर खैबर पख्तूनख्वा के एहतसाब कमीशन में रिफॉर्म्स लाई जाती हैं, हामद जन हामद जो हैं उनके फॉलो करने, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहता हूँ कि किसी अदारे में पुलिस है कोई और अदारा है, अगर आप उसको जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, और उसको आप किसी और नजर से ना देखे, पॉजिटिव साइड से देखना चाहिए। राइट, देखते हैं चौधरी साहब, आपको पॉजिटिव साइड नजर आई, अगर हम एक तारीख पर नजर डालें, रिफॉर्म की जरूरत है ना आपको इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया फ्रिया, मैं अपने भाई जावेद लतीफ साहब की नजर से नहीं देखता, मैं आपको बिल्कुल अपने दिल की बात कहता हूँ, हुक्मरानों को किसी तरह का एहतसाब का अदारा कबूल नहीं है। हमारे यहां हुक्मरानी का हक जब लोगों को मिल जाता है तो वो फिर कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते, अपनी हुक्मरानी चाहते हैं, इसलिए किसी को भी ये पसंद नहीं आता कि वो पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का कोई अदारा बनाए, और कभी भी एहतसाब का अदारा एहतसाब नहीं कर सका है, कुछ अपनी वजूहात की बुनियाद पर और कुछ ये तो हुआ कि बाजू मरोड़े गए उससे। ये जो निया साहब बता रहे थे ना कि जी वो पैट्रियॉट बनी और किंग्स पार्टी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसने ये काम किया, उसने प्ली बागेन की, उसने खुद खासा कमाई की, जायज भी और खुदा ना खासा नाजायज भी, ये तो काम हुए। पाकिस्तान में एहतसाब नाम की कोई चीज नहीं है। और एक बात जिसकी तरफ खुद मियां साहब ने इशारा किया है, आज से 10 साल कबल चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर यह तय हुआ कि एक आजाद एहतसाब कमीशन बनेगा वफाकी सतह पे, सूबाई सतह पे नहीं, वफाकी सतह पे,
और वो सूबों के अंदर कैसे काम में आगे बढ़ना है वो तय करेगा और वो आजाद होगा। 5 साल पीपल्स पार्टी के गुजर गए और 3 साल अब नून लीग के भी गुजर रहे हैं। असल में सबसे बड़ी खामी या कमजोरी ये रही है कि वो वाला एहतसाब कमीशन नहीं बना। तहरीक इंसाफ का भी एहतसाब जो बिल है वो भी असेंबली के फ्लोर के ऊपर है, इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमारे यहां तरामीम की गई तो हमारे चेयरमैन के अंदर इतनी कुव्वत थी कि उसने ये कहा कि मैं अपनी सरबराई में एक रिव्यू कमेटी बना रहा हूं जो 2 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर इसमें जो आजाद मसला हो जाता है कि जब आप ये बना रहे हैं कमेटी तो जब अगर पीएमएलएन की भी यही सजेशन है, पीपुल्स पार्टी भी यही करने जाएगी तो आप किस तरह रोक सकते हैं उनको? मैं बिल्कुल नहीं रोक सकता उन्हें, इसीलिए मैंने आपको अवलियत ये कही कि अगर अपने कहे ऊपर पीपल्स पार्टी और नून लीग आजाद एहतसाब कमीशन बनाती वो पूरे मुल्क के लिए होता, सूबों की हदूद उनकी हदूद कार तय कर देता तो मेरा ख्याल है कि किसी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं पेशानी थी। जो सूबाई कमीशन था केडीके का, उनके जो बड़े एतराज आते हैं ना जी, उसमें एक एतराज ये है कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट हमारे तहत कर दें। दूसरा एतराज ये है कि जो नैब का अदारा है सूबाई और वफाकी वो हमारे काम में मुदाखलत करता है, वो प्ली बार्गेन कर लेता है। और तीसरा एतराज जो था जब डीजी ने रिजाइन किया तो 3 एतराज किए, 2 ये और तीसरा ये कि मैं अकेला फैसला करूंगा, मैं जो 4 कमिश्नर हैं साथ उनके साथ मिलकर फैसला नहीं करूंगा। चुनाचे उन्होंने कुछ 3 पॉइंट ऐसे पिक किए, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ सोच रही है और हम इसको फिर भी आजाद बनाना चाहते हैं। अपनी सारी बात के बावजूद मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में आज तक कभी एहतसाब नहीं हुआ, किसी का एहतसाब नहीं हुआ। लेकिन यही अफसोस की बात है, ये बात कही जा सकती है कि नीयत अच्छी होगी मगर काम वो भी नहीं कर सका। अनफॉर्चुनेट एग्जांपल हमारे सामने यही है। कयूम सोमर साहब, खुशी शाह साहब ने आज स्टेटमेंट दिया बड़ी कैटेगोरिकली, वो कह रहे हैं कि अगर नैब ने पंजाब में कार्रवाई की तो हुकूमत को तरमीम का ख्याल आ गया। वो ये भी कह रहे हैं कि ये बात सही है, एहतसाब कभी हुआ ही नहीं और अब क्या तरीका कार है किसी सियासी जमात को? पहले ये बात अफसोस की है कि जब अपनी तरफ आया इशारा तभी ख्याल आया कि इस अमल को बेहतर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात ये है कि 2 बड़े मसाइल थे, दहशतगर्दी के बाद दूसरा बड़ा मसला जो मुल्क का था वो था एहतसाब, क्योंकि करप्शन इतनी ज्यादा थी। और आपने देखा होगा कि पिछली जो 2 हुकूमतें गई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी, मुस्लिम लीग नून की भी, उन दोनों में एक जो बड़ा एलिगेशन आ रहा था जो उनके अपने सदूर ने हुकूमतें खत्म की, उसमें एक बड़ा एलिगेशन जो है वो करप्शन का भी था। और पहले दौरे हुकूमत में अगर मुस्लिम लीग नून का देखें
आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि 450 अफराद की वो लिस्ट है जिसमें बैंकों से कर्जे लेकर माफ कराए गए, जिसमें हुदैबिया और इत्तेफाक फाउंडेशन और दीगर के मामला मौजूद हैं। सेकेंड टर्नओवर में अगर आप देखें तो ये वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने केस टेकअप किया, 150 नैब के केसेस जिस पर ये सारी रिजर्वेशन है। बदकिस्मत ही आप देखें कि जिस केसेस को सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर रहा है और नैब से कह रहा है कि जी इसको निकालें, उस पर स्टे कौन दे रहा है? लाहौर हाई कोर्ट स्टे दे रहा है 6 केसेस में, नैब के 6 केसेस में बाई नेम हुकूमत के नवाज शरीफ साहब के 6 केसेस में लाहौर हाई कोर्ट जो है स्टे दे रहा है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा ही रिपोर्ट है जो अभी एक न्यूज की, मेरे पास उसकी कॉपी भी मौजूद है। थर्ड टेन्योर अभी देख लें, 480 बिलियन रुपीज विदाउट ऑडिट रिपोर्ट है जो सर्कुलर डेट में दिए गए, बिल्कुल 190 के करीब जो है, ऑरेंज 10 का है, नंदीपुर है, यानी तीनों अगर आप इनके जो है वो दौरे हुकूमत देखें तो उसमें यही सूरत हाल है, और पीपल्स पार्टी की भी यही सूरत हाल रही थी कि करप्शन के इल्जाम। अब मतलब ये है कि जी आप ये इल्जाम लगते हैं, इल्जाम कभी भी जो है अपने ऊपर से क्लियर नहीं हुए, ना पहले दौर हुकूमत में, ना दूसरे और ना तीसरे। आज की जो सूरत हाल है कि आज हमें एक उम्मीद थी कि चले जी कोई सिस्टम बनेगा, ठीक है बहुत से मामला थे उस कानून में जो एहतसाब का कानून है, जो नैब का कानून है, उसमें प्ली बार्गेनिंग और दीगर बड़े इश्यूज थे जिसमें तब्दीली की जरूरत थी। लेकिन ऐसे मौके पर कि जब एक में ये सब कुछ हो रहा था और सबको पता था, हमने पहले कहा था कि जी ये सब कुछ जो है होना है, और राणा मसूद जैसे केसेस जब सामने आए बार बार, तो राणा मसूद का बार बार कह रहे थे, आज राणा मसूद का आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, तो गो ऑन ब्रेक। उसके बाद भी साहब आपके लिए सारे सवाल आते हैं, केसेस की लिस्ट है और ये सवाल है कि लाहौर हाई कोर्ट स्टे कैसे दे देती है। आफ्टर ब्रेक की फर्स्ट फाइनेंशियल सर, एंड वेलकम बैक मियां साहब। केसेस की लिस्ट भी उन्होंने दी है, मगर सवाल फिर वही है कि राणा मसूद साहब यकीनन ये मुतहदा कौमी मूवमेंट का मौकफ ठीक है, बार बार वो आवाज उठाते रहे, कोई अब अगर तरीकाकार होता है एहतसाब का तो क्या जरूरत थी कि वो नैब वहां पे एक्टिव होते होता? आपके पास कोई तरीका ही नहीं है? हाँ फरिया, बात तो ये दुरुस्त है कि अगर मैं ये कहूँ ना कि 3 सालों में हम दहशतगर्दी को देख रहे थे, हम तवानाई बुरान को देख रहे थे, हम अपनी मैशत को संभाला दे रहे थे, ये अपनी जगह चीजें, ये अपनी, मगर ये एक हकीकत है, इतराफ हकीकत करना चाहिए कि 3 सालों में ये इस्लाहत लानी चाहिए थी जो कि नहीं लाई गई। एक लंबे अरसे से जो केसेस हैं उनमें क्लियर तो करवाना चाहिए। अब आ जाए आप जो केसेस की बात कर रहे हैं, जो आसिफ हुसैन ने भी बात की कि दो अदवार पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के ऐसे हैं जो आईनी मुद्दत पूरे किए बगैर उनको हटा दिया गया, और ये कह के हटा दिया गया कि करप्शन इन्होंने की है, हालांकि कोई ना उनको प्रूफ किया गया ना दूसरी हुकूमत को कोई प्रूफ किया गया। और इसी तरह चलते चलते आप 150 जो मेगा स्कैंडल की लिस्ट आप दे रहे हैं या जिसका बार बार जिक्र होता है, ये किस दौर में बने? परवेज मुशर्रफ के दौर में बने? एक सेकंड के लिए, परवेज मुशर्रफ के दौर में बने और उसमें शरीफ फैमिली पर जो केसेस बने 14 माह, मैं पहले भी कह चुका हूं कि 14 माह शरीफ फैमिली जेरे हिरासत रही परवेज मुशर्रफ के। भाई आज तो अगर आप कहते हो कि ये आजादाना एहतसाब नहीं हो रहा, तो उस वक्त किसने रोका था? उस वक्त इकरार भी उन्हीं के पास था, नैब भी उन्हीं के पास थी, लेकिन प्रूफ का किया जा सकता है? आपको भी लग रहा है कि अभी भी आप कौन से? पहले मैं वो बात क्लियर कर लूं कि वो जो मेगा स्कैंडल थे वो उसमें से ना सिर्फ वो प्रूफ ना कर सके बल्कि अदालतों ने बरी किया उन केसेस में। अब आ जाए, कंफ्यूज ना किया जाए कौम को, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और अगर खैबर पख्तूनख्वा में इस्लाहात की बात होती है, अगर वफाक वही बात करती है, अगर सिंध में वही बात कोई कहता है, तो मैं ये कहता हूं कि बजाय पॉइंट स्कोरिंग के या ये कहने के कि जनाब फलां जमात के इतने लोग पकड़े गए, इस जमात के इतने लोग पकड़े गए, वक्त पर मुशर्रफ की हुकूमत नहीं है, आप कौन चला रहा है नैब को? भाई मैं ये कौन एक्टिवेट क्या अगर अगर आज नैब को कोई चला रहा है तो फिर हम की शिकायत कर रहे हैं? अगर चेयरमैन साहब का आजादाना है ना काम होकर, और नैब का चेयरमैन किसने लगाया? अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर ने, हमें उस पर कोई इतराज नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अगर किसी शरीफ आदमी को, अगर किसी सरमायादार को, अगर किसी सनतकार को आप बगैर तहकीक के पहले मीडिया ट्रायल उसका कर दें, उसको उसको, और ये होता रहा कि परवेज मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा हुआ
के नंगे फर्श पर सरमायादारों को बैठा दिया गया और कई महीनों तक उनको रखा गया, यहाँ तक के लोग अपना सरमाया उठाकर यहाँ से निकल गए मगर किसी के खिलाफ कोई प्रूफ ना कर सके क्योंकि सिस्टम को ठीक करने की कोशिश नहीं की गई। तो आज एक सेकंड प्रिया जी, मैं अगर प्लीज कोई आप इस्लाहत नहीं ला सके तो अगर आज ले आए तो कोई बुराई नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। मैं करता हूँ प्रिया, जरा मैं मेयर साहब को ये बताता हूँ कि तकरीरी का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है चेयरमैन ने आपकी। नहीं, वो तकरीरी तो जाहिर है लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन के मशवरे से ही, यानी आप दोनों पर केसेस है, यही तरीका है कार है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। देखे ना, अब ये तो पाकिस्तान के साथ अलमिया है ना कि हमारे चाहे लीडर ऑफ द हाउस हो या लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, करप्शन के मुकदमात में मतलूब है और है, गलत तौर किए नहीं जा सकते। आज तक पाकिस्तान के अंदर मियां साहब, मियां जावेद लतीफ साहब मेरे भाई हैं, मैं इनको बताता हूं, पाकिस्तान में कभी करप्शन इससे पहले प्रूव हुई है ना आइंदा होनी है, मुझसे लिख लें, मैं भी आखिर इसी धरती से हूं, कभी प्रूव नहीं होगी। ठीक है, ये अलबत्ता अलग बात है कि खुद ही हुकूमत इस बात को क्लेम करे कि 2 खरब रुपया स्विस अकाउंट्स के अंदर पड़ा है पाकिस्तानियों का चोरी शुदा, ठीक है ना, वो क्लेम भी हम करते रहेंगे, और करोड़ों और अरबों रुपए की जायदाद दुनिया के अंदर हमारे लीडरों की बताई भी जाती रहेगी, उसका माल फलां जगह पे, उसका विल्ला फलां जगह पे, उसकी स्टेट फलां जगह पे, ये भी सब बताते रहेंगे। लेकिन करप्शन का या क्यों, करप्शन के जितने अदारे फ्रिया बने वो सारे बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए। ये और ये 14 माह का 4 दफा जिक्र किया है मियां साहब ने, 14 माह क्या हुआ भाई, आपने 14 माह सिर्फ सौदा उतारा मुशर्रफ के साथ, आपका जो ये सौदा 14 माह मुकम्मल हुआ और फुर करके उड़ गए, किसी ने नहीं रोका आपको, इसलिए कोई ये कहे जनरल अंबर ये कहता है ये सौदा 14 दिन इमरान खान के साथ हुआ उसका पता चले। जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ मियां साहब लिसन टू मी प्लीज, आपका क्या ख्याल है मैं अपने किसी लीडर को सेव करूंगा, कतई नहीं करूंगा, कोई एहतसाब का अदारा हो किसी के ऊपर इल्जाम करने वो सामना करेगा, इजाज चौधरी उसको नहीं, जिस तरह आप फरमा रहे शरीफ फैमिली शरीफ फैमिली, ओ खुदा के लिए इस कौम का भी सोचे, 20 करोड़ लोगों का भी कभी सोच लिया करें, ये भी भूखे मर रहे हैं, इनका भी कोई वाली वारिस नहीं है, ये भी कभी सोच लिया करें, इसलिए नहीं कि आप एमएलए बन गए और अब आपका सिर्फ शरीफ फैमिली का तबला बजाते रहे। खुदा का वास्ता है कि आप ये कर लें कि आप इस गरीब बनी गाला अगर नजर डालें, अगर मेरे तीनों भाई यहाँ पे जो आपके साथ बैठे हैं ये इस पे कंफर्म हो जाएं कि पाकिस्तान में करप्शन हुई नहीं है, सब कहते हैं करप्शन है, पकड़ा कोई नहीं गया कभी, पैसा जो पैसा अगर वापस आए तो प्लीज पकड़ा कैसे मिल गया, हमें प्लीज लिसन टू मी, ये मेरा फरिया मैं आपके तकलीफ पहुंची है, कोई सनतकार और करोड़पति जमीन पे बैठ गया, यहां रोज गरीबों को थाने में 10 लीटर पहले मारते हैं, कसूरबाद में बताते हैं, वो इंसान नहीं है चौधरी साहब, मियां साहब को इंसान नहीं लगता जो करोड़पति और अरबपति हो, मियां मंशा इंसान है, उसको 2 घंटे के लिए नहीं बैठना चाहिए था, और पाकिस्तान के अंदर हजारों थाने हैं, वहां हजारों मंशा बैठे हुए हैं, कोई उनके पूछने वाला नहीं, ये निजाम है हमारे मुल्क का। ये आपने बड़ी अहम बातें की मेरी मैं जवाब देना चाहता हूँ, जवाब देना, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, अगर एक की जहन में रखें, आप ये भाषण जो दे रहे हैं ना ये इमरान खान को भी दें, बनी गाला का भी जिक्र करें, आपका क्या ख्याल है, मैं बताएं यहां से बैठ के उठ मेरी बात को कह रहा हूँ, एक सेकंड को आपकी बात सुनी है मैंने, मैं दूसरे की भी बात सुनो ना, आप ये बताएं क्या आप खैबर पख्तूनख्वा में आपको करप्शन नजर नहीं आई इन 3 सालों में, आपने तो स्लोगन का आपका यही था कि जो पिछले 5 सालों में हुकूमत ने किया है उनको कड़े एहतसाब के कटहरे में हम लेकर आएंगे, क्या लेकर आए आप, 90 दिन में आपने कहा था कि सबको बिल्कुल साफ कर देंगे, और खुदा का खौफ करें आप पर जब हाथ डला, आपके वजीर आला की तरफ जन हामद ने बात की, आपके गुजरात की तरफ बात की, और फिर अगर आप सुनने की हिम्मत रखते हैं तो फिर ये भी सुने कि जहांगीर तरीन का खुरा जो है इमरान खान की तरफ आता है,
अगर वो आप बात सुनेंगे तो आप हटा के उसको रख देंगे, फिर आप कहेंगे कि इमरान खान साहब ने अपनी सरबराही में जनाब एक कमीशन बना दी है, कमेटी बना दी है, चार हफ्तों में जवाब जरूर लतीफ साहब ने एक ही बात का जवाब मुझे जरूर दे देने दें अभी करूं। फिर इकट्ठे जवाब जवाब देने आपने एक अब एक सेकंड के लिए आप एक सेकंड फरिया एक सेकंड फरिया मुझे देखे मैं बात करूंगा मैं जावेद साहब को रोकूंगा इसमें जवाब इमरान खान हिरासत में नहीं रह सके। जब अदलिया बचाओ तहरीक चल रही थी, अदलिया की आजादी की तहरीक चल रही थी, तो आपके इमरान खान साहब 14 घंटे हिरासत में नहीं रह सके। वहाँ माफी नामा लिखे पार्टी की मुकाबला कर रहे हैं 14 साल की बात ये बात है कि सिर्फ वादिया तो नहीं 14 साल ये मुकाबला मेरे साथ कर्जदारी साहब ने कर दिया है। ये तो 14 महीने में तोबा साहब बोल करके रातों रात मुल्क छोड़ करके चले गए थे आजादी की तहरीक चलाते हुए जेल में 4 घंटे खंडे में नहीं सो सकता था। आप क्या वो जेल क्या काटेगा वो तो शहर तो कर रहा हूं कि आप जिसकी बात करते हैं वो पूरे जंगल के जेल नहीं कहते और जब बात के चार्जर की दृष्टि से टेक्ना और एसजीएम कमीशन आजाद हो और वहां जनरल जावेद साहब को न रोका जाता उनको इस्तीफा दे दिया जाता रखा जाता एक तो ये उनके चीफ मिनिस्टर से लेकर तमाम तरफ से बड़ा जो करप्शन के केसों में सब पकड़े जाते हैं और जिस तरह ये जावेद लतीफ साहब ये कह रहे हैं मैं इंतहाई माजरत के साथ कह रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान की पार्टी ने कुर्बानी दी है नहीं हुई पाकिस्तान में। सॉरी आपका क्या सवाल था मैं तो बात उनका जवाब दे रहा था नहीं हो सका सिस्टम इतना नाकस है कुछ साबित नहीं हो सका तो क्या इसका मतलब है हम सब कह देंगे कोई करप्शन नहीं हुई पाकिस्तान। देखिए फरिया बात ये नहीं है कि साबित झूठे केसेस बनाए गए थे आसिफ जरदारी साहब के ऊपर और 14 साल जेल में उसको रखा गया ये तो 14 दिन 14 महीने 14 घंटों की बात करें इन्होंने तो सिर्फ नाम सुना है जेल का और ये तस्वर है इनका लेकिन जिस बंदे ने 14 साल गुजारे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से लेकर के चीफ मिनिस्टर तक और चेयरमैन शेख रहमान तक सबने माफिया मांगी। मेरी बात सुन ले सर मेरी बात सुन ले सर आलमगीर से आपको तकलीफ हो रही थी तकलीफ पहुंचाई उसने आपने उसको वहीं से हथकड़ियां लगाई भेज दिया जेल जिस तरह आपने अपना सिस्टम ठीक करना था। जब चाहते हैं तो एक इतनी सी बात के ऊपर भी किसी को सजा मिल सकती है बड़े बड़े मामलों में लोग क्लियर हो जाते हैं ये सिस्टम किसने आप लोगों की हुकूमतें रही है ना सर आपकी रही है आपकी रही है उनकी हर वक्त में इनकी रही है मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की साथ रही है पाकिस्तान बनाना था ये सिस्टम मैंने तो नहीं बनाना था। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कभी भी इंतकाम की सियासत पे यकीन नहीं रखा है और ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जिसके खिलाफ इंतकाम हुआ है इंतकाम छोड़ दें मैं फरिया मेरा जवाब पूरा सुने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा इंतकामी कार्रवाइयां हुई हैं उनकी क्यादत के साथ उनकी लीडरशिप के साथ उनके वर्करों के साथ हमेशा ऐसा हुआ है लेकिन कभी तारीख में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हवाले से 5 साल हमने दोहरा इकतदार गुजारा 5 साल कोई एक बता दे मीडिया की तंज तरीन बातों को हमने जवाब दिया जितने भी मुखालिफ लोग थे आसिफ जरदारी उस वक्त के प्रेसिडेंट थे उनके खिलाफ कितने नाजेबा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए गए लेकिन हमने कभी इंतकाम की बात नहीं की हमने मुल्क को जो है एक बर्दाश्त का कल्चर दिया और सबको साथ लेकर चलने का कल्चर दिया लेकिन आज अगर देखे आज अगर बात हो रही है तो आज फरिया एक बात हो रही है क्यों ये आज ये जो आपका बहस टॉपिक क्यों बना है जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने और पीएमएलएन की पूरी क्यादत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ और नैब के खिलाफ जिस तरह के उनके बयान सामने आ गए उससे ये अंदाजा लग रहा है कि उन्होंने अपनी जात के ऊपर कोई वो कानून से बाला कर रहे हैं वो अपने आप को कानून से मुबरा समझते हैं वो इंसाफ से मुबरा समझते हैं इनके ऊपर दबे आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट को भी माफ नहीं करते। हमने कहा कि हमने भी ये बात की थी बट लुक इट लार्जर पिक्चर सर आसिफ साहब मेरा सवाल ये था कि कराची को अगर जो दूसरे लोग कचरे डाल देते हैं उनको तो कभी हथकड़ियां लगाई नहीं है अगर चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर डाला है तो फिर हथकड़ियां लग गई उसको। देखिए ये हकीकत है बड़े काबिले मदम्मत बात है कि जो इस तरह की सूरत हाल बनी है मतलब जमहूरी गवर्नमेंट में लोगों को उसकी सुनी जाती है उनको एंगेज किया जाता है कोई अच्छा काम करा उसको अप्रिशिएट किया जाता है यहाँ तो बिल्कुल उलट है। दूसरी बात यह है कि जो अभी हमारा जो टॉपिक था जिस पर हम बात कर रहे थे देखिए पाकिस्तान में दो साइड की करप्शन है एक तो वो है कि जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट में जो है वो कमीशन लिया जा रहा है लैंड और दीगर मामला दूसरा जो करप्शन है जिसको जो बहुत बड़ा क्राइम है जो एक अरसे से चला आ रहा है हुकूमतों में
कि वो आपने देखा होगा कि मैंने हाशवानी की बुक है जिसमें उसने अपना जिक्र किया है कि मेरे पांव पर किस तरह बम बांधकर मुझसे जो है वो जायदादें मेरी ली गई, मेरा पैसा लिया गया। सोहेल टब्बा जो आज इधर है, सोहेल टब्बा की भी कहानी आप निकालेंगे और इस तरह के कई लोगों की कहानी निकालेंगे तो सामने आएगी कि किस तरह रातों रात उनकी जायदादें लिखवाई गई, उनसे पैसे लिए गए, करोड़ों रुपए लिए गए। आज भी एकेडी के साथ भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल सामने आ रही है कि आपने स्टॉक एक्सचेंज कराची को शिफ्ट किया और यहाँ लेकर आ गए ताकि ये सारी ये दीजिए। बाबर गौरी का भी थोड़ा हवाला दे देना, वो कह रहे हैं बाबर गौरी साहब का भी बता दी सर, ऐसे बाबर वो आप बता दें ना। मैंने दो चीजें जो प्रूव हो रही है वो बताइए, आपके वहां भी प्रूव है और अगर एमक्यू का है ना, उन्होंने अपने पूरे जमीनों पे नहीं बता दो ना। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो कह रहा हूँ प्रूफ के साथ में बता रहा हूँ, आपके पास प्रूफ है एमपीएम का है उसको लटका दे मगर बचा नहीं ना खुदा के वास्ते। हाँ देखिए दूसरी बात ये कि अगर आपके इदारे एफआईओ नैब हो, आप एक अरसे से कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट होने चाहिए, आज जैसे ही वो हाथ डालने जाते हैं जब आप उसका थ्रेड करते हैं और जिस लेवल से थ्रेड करते हैं मुझे बताए कौन काम ये सवाल है। वेलकम बैक मियां साहब, फिर इस बात की गारंटी है कि आप अगर तरमीम ले आएंगे तो बड़ा जबरदस्त एहतसाब हो जाएगा, सब खुश हो जाएंगे, सब कहेंगे बिल्कुल ठीक है ये इदारा। प्रिया बात सीधी है कि अदारों में काम करने वाले लोग या सियासी जमातों में काम करने वाले लोग ना सारे बुरे हो सकते हैं ना सारे फरिश्ते हो सकते हैं। अदारों में सियासी जमातों में बुरे अच्छे लोग होते हैं मगर खुदा के लिए एक ही राय बना देना किसी इदारे के मुतल्लिक। अब देखिए ना, मार्शल लॉ में किसी जर्नल ने अगर इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल करके अपनी पावर को मिस यूज करके इख्तदार पर कब्जा कर लिया तो उससे सारा दारा बुरा नहीं हो गया मगर आपने आते ही तो उठी उठाई ना सर, आपने कहा मुशर्रफ के ऊपर आते का सिक्स लगाएंगे और आपने इसी तरह बात मेरी सुन, मैं इसी तरह सियासतदानों की तरफ आता हूँ। मैं कहता हूँ सियासी जमातों में सारे पवित्र नहीं है, सियासी जमातों के लोगों ने सियासी जमातों के कायदीन ने अपनी गर्दनें पेश की, गैर आइनी इमारत से खिड़की में अपनी गर्दन को पेश किया तब ये सारा कुछ हुआ। बगाड़ जो है ना एक अदारे में है ना सियासतदानों में एक खाली है, ये अगर एज ए कौम एक नेशनल अप्रोच है उसके सभी बुरे हैं। नहीं ना, मैं सभी को अच्छा भी नहीं कह रहा, मैं सभी को बुरा भी नहीं कह रहा। हाँ, अब अगर सिस्टम को ठीक करना है तो इस सिस्टम में रहते हुए आपको रिफॉर्म्स लाना होगी, उस पर ये ना करें कि ये पकड़ा जा रहा था तो इसलिए भाई कहीं से तो शुरू करना है। ये बात सही है, कहीं से शुरू करना है, लेकिन चौधरी साहब रिफॉर्म्स आएंगी तो फिर अब ये तासुर जाएगा कि ये अपने आप को बचाने के लिए रिफॉर्म्स आई हैं। जी बिल्कुल, मैं तो इसको समझता हूँ और फ्रिया मैं इसकी वजाहत कर दूं, ये जब से 12 रोज से हुआ है मैं तो अपनी पार्टी के इस मौकफ के हामी नहीं हूं और बरसरे आम टॉक शोज में सारी बात कह चुका हूं, इसलिए मुझे किसी चीज का खौफ नहीं है। एक बात दूसरा, अब यहां पर बहस क्या कर रहे हैं कि मेरा चोर और मेरा डाकू बड़ा साफ है बड़ा प्यारा है, तो ये मसला नहीं है, मसला इस कौम का है। अगर तो हम इस नतीजे पर पहुंच जाए कि गुज़श्ता 68 बरस में पाकिस्तान के अंदर सिर्फ निचली सतह की करप्शन है वो मैं समझता हूं कि काबिले कबूल है, वो आहिस्ता आहिस्ता इरेडिकेट हो सकती है जब मुआशरा मजबूती तौर पे ऊपर उठता है। लेकिन अगर कंसेंसस उस बात के ऊपर हो कि हमारे इशराफिया हमारे हुक्मरान हमारे जर्नैल हमारे जजेस हमारे सनतकार सरमायादार ये करप्ट है, जब कंसेंसस हो इस बात के ऊपर तो फिर इसका मतलब है कि आपको चोटी से कोई काम करना होगा। बर्फ चोटी से पिघलती है, मछली जो है वो सर की तरफ से गंद करना शुरू करती सड़ना शुरू करती है, इसलिए मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में अभी तक कोई एहतसाब का ऐसा निजाम कायम हो चुका है। बिल्कुल नहीं स्पेयर करना चाहिए। मेरी आखिरी बात सुन, मेरी आखिरी बात सुन, क्या सवाल किया आपने? बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं हम कि शुरू मैं सिर्फ आखिरी बात क्या दूं, मैं समझता हूं कि हम जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स जो है ना उन्हें बिल्कुल जी अपने लीडरों को हिफाजत नहीं उनकी करनी चाहिए अगर कोई करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है।
कोई हम अपनी गरीब कौम के बारे में सोचें। मैं अपने आप को शामिल कर रहा हूं, मैं किसी को एक्सक्लूड नहीं कर रहा, मैं पीटीआई को कतई तौर पे माफी चाहती हूँ, उसकी आगे जाना पड़े। सोमू साहब, अभी सॉरी साहब ने ऑन रिकॉर्ड फिर कह दिया कि मैं अपनी पार्टी के भी खिलाफ हूँ। सर आप भी जरा हिम्मत करें, कहें कि क्या ये करप्शन के चार्जेस आप लोग लगवाते हैं, हर सीनियर बंदा हमारी हमें जाके रोज जवाब देना पड़ता है, आप लोग पीपल्स पार्टी में क्यों आवाज उठाते हैं? देखिए यही बात है चौधरी साहब के इस बयान के, इस बात पे मैं वेलकम करता हूँ और ये बहुत बड़ी हौसला अफजा बात की है चौधरी साहब ने और अपने पार्टी में रहते हुए और बहरहाल। लेकिन जहाँ तक आप पीपल्स पार्टी की बात पूछ रहे हैं, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो केस देखें फरिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वाहिद पार्टी है जो विक्टिमाइज हुई है सारी जिंदगी पॉलिटिकल, जो है वो जितना भी गैज़ गज़ब हुआ है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की क्यादत और उनके वर्करों पे हुआ है, उसका इनकार कोई कर सकता है? आप मुझे बता दे, अगर ये बात गलत है तो फिर मैं आगे अपने पार्टी की बात करूं। इंतकाम तो हमारे साथ है, अगर पंजाब में कोई गिरफ्तारी हुई है वो भी आपको पता होगा कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट जो है कासिम ज़िया गिरफ्तार हुए थे, अगर केपी में भी कोई गिरफ्तारी हुई तो वो पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारी हुई, सिंध में भी हुई है तो पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारी हुई है, हम तो भुगत रहे हैं। बात ये नहीं है हमारे ऊपर तो क्रिटिकल, हम तो लेबॉरेटरी में बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर तो तजुर्बे हो रहे हैं, तमाम तजुर्बात से हम गुजर करके उसी दौर से गुजर रहे हैं। हमारे लिए ये सवाल नहीं बनता, ये सवाल बनता है पीएमएलएन के लिए, आप ये उनसे करें कि क्या सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में